है, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ओके। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। ओके। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले, मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं, और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मास थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक सुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है, और मैं गमी बेर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जैन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम के मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है वहाँ, क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डाले, और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डाले और इसे अच्छे से हिलाते रहे। हाँ। सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, यह अब इसे सांचों में डाल सकते हैं, इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कारमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कारमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कारमेल।
अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से, एकदम सही। ओ, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओ, ये मेरा कारमेल है, ये जल गया। ओ, तुम कितनी अनारी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया, दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्लेडो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत, कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों, क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर, मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। येलो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है, इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है, उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर, और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई ये। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह, कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है। बस नूडल्स को पैन की पेरिमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए
मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा, देखो यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है, बढ़िया है, डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या क्या बस हो गया, देखो बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा, तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं, और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। ओके। कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। ये पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है, मुझे ये पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पररो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है, तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब, ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोरोरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना, ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम जीत तुम्हें मिलती है, मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं, शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा, मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी, तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। ये मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा, इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी। लेकिन बस इतना ही नहीं है, अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ यह बहुत अच्छा है, अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है, ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा, एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है, इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला, आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है, उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ, मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात तेल को भूलना नहीं है, फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया, अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है, कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नैचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले, और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नैचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नैचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नैचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया, आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस एक सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वे इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ, तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही, हाँ यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना, ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ, बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नैचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी, मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है।
इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो अम्मा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपनी डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ। इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउथी डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है। और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। ओ वाह, इतने सारे डिशेस! मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे यह हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, यह इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी यह अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया। जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ, धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि यह स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ। और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नाचोस की तरह।
केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जेब में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओ हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से दो टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसे डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू के कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपिटी बॉबी, जल्दी से चखकर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओ वाह, ओ वाह, मैं क्या देख रहा हूँ, नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया, यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा है मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सबको समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में यह फाइनल टच, ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, यह अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। यह एक सीक्रेट है, अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ, एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को यह पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है, चखकर बताओ। वाह, खुशी के साथ, कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष, इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है, और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी, ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ केक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है, मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है, यह मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन, दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी, इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है, मुझे थोड़ा और डालना होगा।
मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इसे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी, तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है। नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे कोमल फोम पाने के लिए मिक्सर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई। मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे सब कुछ चेक करके देखना है। ओह दादी ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे पाप करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ।